इसराइल और हमास के बीच युद्ध की आग और तेज हो चली है। जहां हमास पीछे हटने को राजी नहीं है, तो वहीं इसराइल हमास के ठिकानों को चुन चुन कर नष्ट कर रहा है। चाहे वो हमास के खुफिया ठिकाने हो या फिर मानव बस्तियां, हर तरफ इसराइल का कहर देखने को मिल रहा है। ताजा मामला गाजा के राहत शिविर कैंप का है, जहाँ इसराइल ने बड़ा हमला किया जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई जबकि 60 लोग घायल हैं। इसराइल ने जिस जगह हमला किया वहाँ इसराइल हमास युद्ध में विस्थापित हुए फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी है। इस हमले में मारे गए ज्यादातर नागरिक फिलिस्तीनी हैं। इसराइल का इस हमले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसमें हमले की जगह पर गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। आसपास बिखरे हुए खंडरों में फटे हुए टेंट और मलबा दिखाई दे रहा है। वीडियो में राहत कर्मी मारे गए लोगों और घायलों को निकालते दिखाई दे रहे हैं। इन हमलों को लेकर इजरायली सेना ने कहा है कि हमास ने शिविर कैंप के बीच अपना कमांडर सेंटर बना रखा था, जिसे खत्म करने के लिए सेना ने सटीक निशाना बनाया था, जिसके लिए सटीक गोला बारूद, हवाई निगरानी और अतिरिक्त साधनों का इस्तेमाल किया गया था। इजरायली सेना ने कहा यह हमला सिर्फ हमास के शीर्ष लड़ाकों को निशाना बनाकर खत्म करने के लिए किया गया था। वहीं हमास ने इसराइल के इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। हमास की तरफ से कहा गया कि इसराइल लंबे समय से हमास और दूसरे संगठनों पर नागरिक आबादी वाले इलाके में छिपे होने का इल्जाम लगाता रहा है, जो सरासर गलत है। हमास के प्रवक्ता ने कहा, इसराइल ने गाजा की जिन मानव बस्तियों पर हमला किया वह हमास के लड़ाके मौजूद ही नहीं थे। हमास का आरोप है कि इसराइल ने गाजा की मानव बस्तियों में 4 मिसाइलों से हमला किया, जिनकी चपेट में आकर कई टेंट तबाह हो गए, 20 से ज्यादा टेंट जलकर खाक हो गए, जबकि हमले वाली जगह 30-30 फीट गहरे गड्ढे हो गए। वहीं स्थानीय नागरिकों ने इन हमलों को नरसंहार तक करार दे दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि ये हमले तब हो रहे हैं जब इसराइल और हमास युद्ध रोकने के लिए दोनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। इस बीच अमेरिकी और ब्रिटिश विदेशी खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों ने कहा कि गाजा में युद्ध विराम के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि समझौता काफी करीब आ चुका है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा है कि बस कुछ और मुद्दे अनसुलझे रह गए हैं जो जल्दी हल हो जाएंगे। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि सफलता की रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गाजा में इसराइल और हमास की जंग ने भारी तबाही मचा दी है। युद्ध की वजह से गाजा की 2.3 मिलियन आबादी यानी करीब 23 लाख की आबादी में से करीब 90% लोग विस्थापित हो गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद से गाजा में 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। बता दें कि हमास के नेतृत्व वाले लड़ाकों ने पिछले साल 7 अक्टूबर को पहला हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोगों की मौत हो गई थी। इन मारे गए लोगों में ज्यादातर नागरिक ही थे, जबकि इन हमलों के बाद हमास ने 250 से ज्यादा लोगों का अपहरण कर लिया था। पिछले नवंबर में एक सप्ताह के संघर्ष विराम के दौरान इसराइल की तरफ से कैद किए गए फिलिस्तीनियों के बदले कई लोगों को रिहा कर दिया था, लेकिन हमास के पास अब भी 100 से ज्यादा लोग कैद में हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।